अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और साहब डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। क्या अदाकारा महविश हयात बिलावल भुट्टो जरदारी से शादी करने जा रही हैं? महविश हयात ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से शादी करने पर आमादगी जाहिर कर दी। उन्होंने रिश्ते की बात चलाने पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा महविश हयात ने अपने हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर डाला है। तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात का कहना है कि उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अपने हालिया इंटरव्यू में महविश हयात ने अपने होने वाले शोहर के हवाले से तफसीली तौर पर अपनी पसंद बताते हुए कहा कि मुझे मर्दाना वजाहत वाले ऐसे मर्द पसंद हैं जिनका कद भी लंबा हो और वो बाइखलाक भी हों। महविश हयात के मुताबिक उनके लिए पसंदीदा मर्दों में गोरे चिट्टी रंगत सानवी है, ताहम कद दराज और मर्दाना वजाहत अव्वलीन तरजीह है। अदाकारा के जवाब पर मेज़बान ने उन्हें बताया कि उनकी नज़र में बिल्कुल ऐसा ही एक मर्द है जो बहुत मकबूल और असरो रसूख वाले भी हैं और वो पहली बार रुकन असेंबली भी बने हैं। जिस पर महविश हयात ने कहा कि कहीं मेज़बान बिलावल भुट्टो जरदारी की बात तो नहीं कर रही, जिस पर मेज़बान ने कहा अगरचे उनका इशारा बिलावल की जानिब नहीं था लेकिन अगर ऐसे मर्द बिलावल भुट्टो जरदारी हैं तो इस पर महविश हयात को क्या परेशानी है। जिस पर महविश हयात ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें बिलावल से कोई मसला नहीं बल्कि उन्होंने बिलावल को अच्छी शख्सियत वाला शख्स भी करार दिया। महविश हयात के जवाब पर मेज़बान ने अदाकारा से पूछा कि अगर वो उनकी शादी की बात बिलावल भुट्टो जरदारी से चलाएं तो उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा, जिस पर महविश हयात ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें क्या एतराज़ हो सकता है। एक सवाल कि आप अभी तक अकेली क्यों हैं का जवाब देते हुए अदाकारा महविश हयात ने बताया कि उन्हें आज तक कोई मोहब्बत करने वाला मर्द मिला ही नहीं। अदाकारा ने कहा कि शायद उसका सबब ये हो कि उन्होंने प्यार के लिए कभी वक्त निकाला ही ना हो और वो करियर बनाने में मसरूफ़ रही हो। अदाकारा ने बताया कि मैंने प्यार और दिल के मामले को इंतहाई राजदाराना रखा हुआ है, शायद आगे चल कर कोई ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आए जो दिल के ताले खोलकर मुझसे मोहब्बत करे और मैं भी उसकी मोहब्बत में डूब जाऊं। अब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।